Based on this information, question is, if a set A has 10 elements, set B has 5 elements, then how many subsets of A cross B will be formed? तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो वी विल स्टार्ट अवर आंसर विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 5। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी कितने होंगे? सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 5 50। अब A क्रॉस B में एक सेट में 50 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? द फॉर्मूला इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में 50 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स होंगे 2 रेज टू पावर 50। We will leave the answer like this. Again, asking one more question. Now it's more of a general question. If a set A has m elements, and a set B has n elements, can you guess the number of subsets of A cross B? तो number of subsets निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ये है n। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? कैन यू गेस? सी यस mn। पीछे से रेफरेंस ले सकते हो, अगर एक सेट में 10 एलिमेंट्स थे दूसरे में 5 थे, तो A क्रॉस B ने 10 इंटू 5 किया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना। सो नाउ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B आ गया mn। A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट्स कितने होंगे? नॉट 4, इट विल बी 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना निकला आपका? 2 रेज टू पावर एम एन। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज वाई, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई। Yes, now you can give the direct answer. So number of subsets of x cross y can be written directly as 2 raised to power xy. Now, additional information.
सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स का नाम होता है बेटा, इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो व्हाट इज अ रिलेशन? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने अगर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया है तो आपने क्या कैलकुलेट किया है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर पॉसिबल। आंसर सेम होता, क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या होता है? ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सो 2^50 रिलेशंस। क्वेश्चन को रीफ्रेम किया जा सकता है, अगर वो ये पूछना चाहे हाउ मेनी सबसेट्स तो ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर उसने पूछना है हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। तो अगर मैं ये पूछ रहा हूँ बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, ये भी इसका भी आंसर 2^mn होगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने हैं, तो उसका आंसर भी 2^mn। तो मैं आपको रीफ्रेम करके क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ अ सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 200 एलिमेंट्स, देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए। Can you tell me how many relations are possible? Yes, it's 2^1000 because सबसे पहले हम निकालेंगे number of elements in B cross A. That is 1000. But हमसे तो उसने पूछा है number of relations. तो बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी क्रॉस ए। विच इज 2^ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2^1000 इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट।